डीडी दूरदर्शन एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। जब से डीडी दूरदर्शन ने अपने कुछ नए चैनल लॉन्च करने की घोषणा की, तब से ही जो प्राइवेट डीटीएच कंपनियां थी और पेड चैनल जो हैं वो सख्ते में मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनियां थी, डीटीएच की प्राइवेट कंपनियां थी और जो पेड चैनल थे, ये एक सपना देख रहे थे, एक सपना था इनका कि डीडी फ्री डिश जल्दी ही बंद हो जाएगा। हम आपको बताएं, पिछले दिनों डिश टीवी ने भी डीडी फ्री डिश पर केस लगाया था अपने नाम को लेके, ये डिश हमारा नाम है, डीडी फ्री डिश यूज कर रहा है। ऐसे ही इन्होंने सपना देखा था कि डीडी फ्री डिश बंद हो जाएगा या अपना नाम चेंज करेगा और उसकी मार्केट नीचे गिरेगी और इसके जो दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे। ऐसा सपना देखने वालों को डीडी फ्री डिश ने करारा जवाब दिया है। दूरदर्शन जल्दी ही कुछ नए चैनल लेकर हमारे सामने आएगा, जैसे कि किड्स मूवीज के और एंटरटेनमेंट सीरियल के चैनल, ऐसे कुछ चैनल लेकर सामने आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है दर्शकों के लिए। फिलहाल अभी 104 चैनल दे रहा है डीडी फ्री डिश में, आने वाले टाइम में 130, 40, 150 तक चैनल दे सकता है, वो भी अच्छे वाले चैनल। ये हम सब जानते हैं कि बहुत सारे पेड चैनल डीडी फ्री डिश से ईर्ष्या करते हैं, पर जी नेटवर्क एक समझदार कंपनी है या समझदार चैनल है, इनको पता है कि डीडी फ्री डिश के पास 3,25,00,000 दर्शक हैं, कनेक्शन, दर्शक तो ज्यादा ही होंगे, एक कनेक्शन पर दो तीन तीन चार चार लोग देखते ही हैं, तो इनके पास 3,25,00,000 कनेक्शन है। अब जो प्रकाश जावड़कर जी ने कहा था कि वो आने वाले कुछ ही टाइम में ये लक्ष्य 5 करोड़ तक लेकर जाएंगे, इसका मतलब अगर 5 करोड़ कह रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं वो दर्शकों को, और बहुत सारे चैनल उसमें होंगे। अब जी भी इस पर सोचने के लिए मजबूर है कि डीडी फ्री डिश पर जाएंगे और टीआरपी में बढ़ोतरी मिलेगी। जो भी चैनल डीडी फ्री डिश पर आएगा तो वो टीआरपी में रैंकिंग में सबसे ऊपर जाएगा, इसलिए जाएगा, एक तो वो पेड चैनल में होगा, दूसरा वो डीडी फ्री डिश पर फ्री में होगा, फ्री टू एयर के चैनलों में भी होगा और डीडी फ्री डिश पर भी होगा। आज के टाइम में जो 3 करोड़+ दर्शक कनेक्शन है डीडी फ्री डिश पर, उस पर कोई भी पेड चैनल नहीं है। कहने का मतलब भी 3 करोड़ कनेक्शन लिए हुए लोग कोई भी पेड चैनल नहीं देख रहे, वो पेड चैनल बेकार है उन 3 करोड़ कनेक्शन के लिए। यही सोचकर जी भी अपने जी अनमोल या जी अनमोल मूवी चैनल को यहां पर जल्दी ही ला सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और उनकी वार्तालाप भी चल रही है। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी। दोस्तों, थैंक यू।